जैन दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्र अगर अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर से रशिया और भारत ने मिलकर पूरे खेल को बदल के रख दिया है। दरअसल दोस्तों, जहाँ इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश केवल बातचीत ही कर रहे हैं, तो वहीं भारत ने रशिया के साथ मिलकर एक बड़ी डील साइन कर ली है। जैसा कि आप सभी मेरे मित्रगण जानते हैं कि भारत पिछले कई सालों से, यानी कि आप सभी मित्रगण काफी ज्यादा अवेयर भी हैं, तो आपको भली भांति पता है कि भारत पिछले कुछ सालों से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तीनों में से एक देश के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत एक पावरफुल इंजन बनाना चाहता था। और भारत का कहना केवल इतना ही था कि इस इंजन में हमारा पूरी तरीके से पूर्ण अधिकार होना चाहिए। और इसी कड़ी में फ्रांस के साथ भारत 6 सालों से बात कर रहा है। और इसी कड़ी में दोस्तों, फ्रांस भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए तो तैयार है, लेकिन फ्रांस भारत को अपने इंजन की आईपी राइट्स नहीं देना चाहता है। यानी कि सरल शब्दों में, यदि हम इस इंजन को खरीद भी लेते हैं, तो हम इस इंजन को किसी दूसरे देश को नहीं बेच पाएंगे। यानी कि ये इंजन हमारा होकर भी हमारा नहीं रहेगा। और यही कारण है कि ये डील अभी तक लटकी हुई है। लेकिन दोस्तों, वहीं अब भारत ने रशिया के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी डील को हरी झंडी दे दी है। जैसा कि आप सभी मित्रगण जानते हैं, भारत के पास मौजूदा समय में लगभग 260 की संख्या में Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी और काफी ज्यादा खुशी भी होगी कि इन 260 में से 220 फाइटर जेटों को HAL ने अपनी नासिक में स्थित सुखोई फैसिलिटी में बनाया है। यानी कि भारत और रशिया का किस तरीके का याराना है कि भारत ने रशियन फाइटर जेटों को लाइसेंस लेकर अपने ही देश में बनाया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये फाइटर जेट भी पुराने होते जा रहे हैं। और समय के साथ साथ इन फाइटर जेटों के जो इंजन है, वो अंडर पावर और कम फुर्तीले प्रतीत हो रहे हैं। और यही कारण है कि दोस्तों, रशिया के साथ मिलकर भारत ने 240 की संख्या में AL-31 इंजन को खरीदने जा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और फुर्तीला इंजन है। और हमेशा की तरह दोस्तों, रशिया की तरफ से ये जो इंजन भारत को दिए जाने हैं, इन्हें भारत में ही असेंबल किया जाना है। साथ ही भारतीय HAL द्वारा भी निरंतर रशिया के साथ बातचीत की जा रही है, ताकि इन इंजन में लगने वाले कंपोनेंटों को भारत को जल्द से जल्द सप्लाई किया जाए। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों, कि ये पूरी की पूरी डील ज्यादा लंबी चौड़ी ना खींचते हुए 6 से 8 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर दी जाएगी। जिसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले 1.5 साल के अंदर हमारे Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट में नए और फुर्तीले इंजन लगने शुरू हो जाएंगे। और आपको बताना चाहूंगा, ये जो AL-31 इंजन है, ये ड्राई अवस्था में 76.49 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, इन इंजनों के अलावा यदि AL-14 इंजन को इस फाइटर जेट में लगाया जाता, तो वो ड्राई अवस्था में 86 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, और आफ्टर बर्नर के साथ 138 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने फैसला लिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। बाकी मैं आप सभी मित्रगणों के विचार भी जानना चाहूंगा, क्या भारत को इसमें थोड़ा और पावरफुल इंजन लगा देना चाहिए, जैसा कि मैंने सजेस्ट किया, या फिर जो है सही है। जय हिंद, वंदे मातरम।